पानी पीकर मैं प्याला वो रखता हूँ, फिर मैं उसको देखता हूँ तो दीवारों से उतर कर एक दो कतरे उसमें फिर जमा हो जाते हैं, मैं उसको भी पी लेता हूँ। क़यामत के दिन एक कतरा ही अटक गया तो मैं जाऊँगा कहाँ यार, एक कतरा भी नड़ सकता है, अटक सकता है, ज़ाया क्यों किया। तो इसलिए मतलब ये कि बोतल भी आप पियो ना तो चंद कतरे हो सकता है कि उसमें लुढ़क के जमा हो जाते होंगे दीवारों से, थोड़ी देर के बाद फिर उसको झटके मार मार के हर कतरा उसका जितना हो सके निकाल लिया। ये हमेशा के लिए आदत बनाए, जब भी पानी पिए, प्लेट धो के पीते हैं जब खाने के बाद तो उसमें भी थोड़े से कतरे रह जाते हैं, यूँ पी कर छोड़ देते हैं, नहीं इसको यूं यूं करके उंगलियों से उतार के आप पी लिया। बहुत सारे काम होते हैं पापा, अब ये पानी इसके मतलब लुढ़कने का इंतजार करे आदमी कपसा में रख कर, तो खाना खा चुके और खाना कैसे नहीं सुनो, खाना खा चुके ठीक है ना, फिर गर्म डिश आ जाए तो सारे काम पेंडिंग, फिर टूट पड़ेंगे। तो फिर पता चला कि भाई वो अभी आइसक्रीम बाकी है, तो आइसक्रीम जैसे मेहमान जाता है तो होती है, तो आइसक्रीम के लिए जगह बन जाती है, सारा सारा करके वो जो बोतल खोलते हैं तो उसके लिए जगह निकल आती है। तो खाली ये दो कतरे जो प्लेट में मेरे कहने के मुताबिक उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। मेरे पापा वो मतलब ताज़ी ताज़ी चीज़ आई, गरम गरम चीज़ आई, मीठी मीठी चीज़ आई, बिल्कुल अभी आई है। आप बोलो जो बचा हुआ है उसका इंतजार करेगा, लुढ़केगा, फिर पहने में जमा होगा, फिर मैं पीऊँगा। अब आप कहते हो कि कतरा भी तो ये एक कतरा फंसा देगा ये, तो ये मतलब लगता नहीं आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी? और नफ्स को परेशानी तो हो जाएगी, नफ्स को परेशान करने में ही मजा है। वो जो उनका वाकया नहीं, सुल्तानुल औलिया बाबा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वाकया कोई इस तरह का नहीं, बीमार हो गए तो अर्ज किया गया, बहुत सख्त बीमार हो गए, बचने की उम्मीद न रही, तो अर्ज किया गया कि हम फुला गैर मुस्लिम तबीब के पास ले जाते हैं आपको, गैर मुस्लिम आमिल के पास, वो बहुत माहिर है और आपका मरज ठीक कर देगा वो। तो आपने बोला मैं गैर मुस्लिम के पास जाऊं, नहीं नहीं मैं नहीं जाता, फिर बेहोश हो गए, तबीयत बहुत नासाज थी। तो मुरीदों से रहा नहीं गया, उन्होंने उठाया हजरत को और उस आमिल के पास ले गए, तो उसने कुछ अपना जंतर मंतर किया तो आप होश में आ गए, सेहत भी दुरुस्त हो गई, बहुत पावरफुल था। तो आपने उससे फरमाया कि ये तूने कमाल कैसे हासिल किया? तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे बचन लिया था, गुरु माने उस्ताद, बचन माने अहद, तो मेरे गुरु ने मुझसे बचन लिया था कि नफ्स जो कुछ कहे ना उसका उल्टा करना है, नफ्स की बात नहीं माननी। मसलन नफ्स कहता है कि आज तो चावल खाने हैं तो रोटी खिला इसको, अगर नफ्स कहता है कि रोटी खानी है तो इसको चावल खिलाओ, नफ्स कहता है कि ठंडा पानी पीना है तो इसको सादा पानी पिलाओ, नफ्स कहता है यूं करो तो यूं करो, यूं कहता है तो यूं, इसका उलट करो। मतलब नफ्स का, जैसे हम तो नफ्स की हर बात लब्बैक करके हाजिर होते हैं, तो वो बहरल उलट। तो मैं ये सब उलट करता रहा हूं, तो इससे मेरे अंदर ये वो तासीर पैदा हो गई। तो हजरत ने फरमाया कि ये बताओ कि तुम्हारा नफ्स जो है तुम्हें मुसलमान होने की इजाज़त देता है? बोला नहीं, नफ्स तो ना बोलता है कि तू जिस मज़हब पर है उसी पर रहना। तो बोला ये देखो तुमने अपने गुरु के बचन पर अमल नहीं किया ना, गुरु ने बोला कि जो नफ्स बोले इसका उल्टा कर, तो नफ्स बोलता है कि मुसलमान मत हो, तो तुझे नफ्स की मुखालफत करके मुसलमान हो जाना चाहिए। तो उसका दिल चोट खा गया, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो नफ्स जो कहे उसका उल्टा, ठीक है ना। तो इसलिए वो नफ्स बोलता है कि ये पानी बस चंद कतरे, अब क्या यार मज़ा नहीं आता, छोड़ो यार, तो इसको ज़रूर पिया, पूंछ पूंछ के अंगूठे से इसको उतार उतार के प्लेट से पी ले। पहले बोलते थे कि ये बचाओ नहीं, तो थोड़ा थोड़ा बचा कर फेंकते हो, ये सही नहीं है। चलो हमने फिर पूरी बोतल पीनी शुरू कर दी, पूरा पानी का गिलास पीना शुरू कर दिया। अब आप बोलते हो कि ये रखो और इंतज़ार करो कि इसका वो गिरेगा, फिर वो बचेगा, फिर उसको भी पी जाओ। तो अब ये इतना सारा पानी जब पी गए तो अब ये एक कतरा भी क्या ये हमको फंसा देगा क़यामत के दिन? ऐसा मतलब वसवसा नहीं डालेगा बाबा शैतान और नफ्स? वो क्या गेहूँ का वो दाना, आधा दाना वो है ना एक वाक़ आपने फ़ैज़ान सुन्नत में यार, एक शख्स का इंतकाल हो गया और उसको ख्वाब में देखकर पूछा माँ फ़अल अल्लाह बेका, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? तो उसने बोला कि मुझे गेहूं के आधे दाने ने फंसा दिया। मैं किसी की दुकान पर था और मैंने रोज़ा रखा हुआ था, इफ्तार का वक्त आया, कोई चीज़ थी नहीं मेरे पास, तो मैंने उसका गेहूं उठाया और उसको आधा किया कि आधे गेहूं से मैं इफ्तार कर लूँ। फिर मुझे याद आ गया कि नहीं ये तो मैंने इजाज़त तो नहीं ली, मैंने वापस रख दिया। बस वही आधे दाने ने मुझे फंसा कर रखा है कि तुमने उसका गेहूँ तोड़ा, काहे को उसको नुकसान क्यों पहुँचाया, आधा क्यों कर दिया, उसका गेहूँ तोड़ डाला तुमने। तो कतरा तो यार कतरा है। आप तो आधे दाने की बात करते हैं, तो दुकान पर चलते चलते भाग कर बादाम खा गए, अखरोट खा गए, चिलगोजे उठा कर निकल गए। फली की दुकान पर करें आधा किलो फली देना, वो आधा किलो फली बेचारा निकाल रहा है, पका रहा है, तोड़ रहा है, उसमें कितने तो फली के दाने खा गए है। ये कच्ची थी, ये पक्की थी, ये गर्म थी, ये नरम थी, ये करते करते उसका तो आधा खून जला दिया। दीवारों पर अलग हमारे यहाँ भरमार हुई है। आप आधे दाने की बात कर रहे हो बाबा। हुकूकुल इबाद का मामला तो सख्त है ना यार। बहरहाल ये कि देखो कुरान पाक में फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो एक जर्रा बराबर भलाई करेगा उसको भी देखेगा क़यामत के रोज़, है ना, कि जो जर्रा बराबर भलाई करेगा उसको भी देखेगा और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देखेगा। ये पाई पाई का हिसाब, कतरे कतरे का हिसाब, जर्रे जर्रे का हिसाब है भाई। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।